जी के किड्स। नानी का घर। माँ, अंशु जल्दी कर, नहीं तो देर हो जाएगी, हमें शाम से पहले पहुँचना है। अंशु, बस माँ, एक मिनट में आ रहा हूँ। अंशु आज बहुत खुश था, स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थी और नानी के घर जाना था। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और नीचे माँ के पास पहुँच गया। माँ, बेटा जल्दी चल, तेरे मामा लेने आएंगे, स्टेशन पर कहीं गाड़ी छूट ना जाए। अंशु माँ के साथ स्टेशन की ओर चल दिया। रास्ते भर अंशु बहुत खुश था, पूरे एक साल बाद नानी के घर जा रहा था। रास्ते भर हरे भरे खेतों को देखते देखते कब स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। ट्रेन से उतरे ही थे कि सामने मामा खड़े थे। अंशु, मामा जी नमस्ते। मामा, कैसा है मेरा शेर? मामा ने मम्मी के पैर छुए और अपनी बाइक पर बिठाकर गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर अंशु ने देखा नानी गली में ही उनका इंतजार कर रही थी। अंशु ने नानी के पैर छुए, नानी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। उसके बाद तीनों अंदर गए, मामा बाइक घुमाकर बाहर चले गए। कुछ देर बाद मामा आए ढेर सारी कचौड़ी जलेबी लेकर। नानी ने जल्दी से चाय बनाई और अंशु अपनी माँ के साथ नाश्ता करने बैठ गया। अगले दिन अंशु मामा के साथ खेतों पर चला गया। मामा खेत पर काम कर रहे थे, तभी अंशु ने देखा कुछ लोग शोर मचा रहे थे, मारो मारो, भागो भागो। यह देखकर अंशु डर गया, मामा भी खड़े होकर देखने लगे। अंशु डर के मारे मामा से चिपक गया। मामा, डर मत बेटा, लगता है गांव में तेंदुआ घुस आया है। काफी दिन से एक तेंदुआ बहुत परेशान कर रहा है, गांव वाले उसी को मारने भागे होंगे। अंशु बुरी तरह डर गया था। अंशु, मामा जल्दी से घर चलो। मामा, अरे डर मत, मैं हूँ ना। अंशु, नहीं मामा, मुझे अभी घर जाना है। मामा अंशु को गोद में लेकर घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचकर अंशु माँ से निपटकर बहुत रोया। माँ, बेटा क्या हुआ? अंशु, माँ अपने घर चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ। माँ, क्या बात कर रहा है, अभी तो आए हैं। तब मामा ने माँ को सारी बात बता दी। माँ, एक काम कर, तू खेत पर मत जाया कर, घर में ही रहा कर। लेकिन अंशु जिद करके बैठ गया कि उसे यहाँ नहीं रहना है, घर ही जाना है। नानी, मेरा राजा बेटा, एक काम कर, आज से तू मेरे साथ रह, मैं देखती हूँ कौन सा तेंदुआ आता है मेरे अंशु के पास। बहुत मुश्किल से अंशु घर में रहने को तैयार हुआ, लेकिन वह एक कोने में बैठा रहता। दो दिन के बाद नानी कहीं बाहर गई। कुछ देर बाद नानी घर वापस आई। नानी, अंशु अब डर मत, वह तेंदुआ पकड़ा गया, उसे पिंजरे में बंद करके ले गए। यह सुनकर अंशु बहुत खुश हुआ। अंशु, सच नानी, आप सच कह रही हैं? नानी, हाँ बेटा, सरकारी लोग आए थे उसे पकड़ने, उसे पकड़कर ले गए। अब तू मजे से रह और घर जाने की बात मत करना। अंशु बहुत खुश हुआ, वह मजे से रहने लगा। पूरी छुट्टियों में मजे से पूरे गांव में खेलता रहा और मामा के संग खेत पर भी जाने लगा। अब अंशु की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। नानी के घर से चलने का समय आया तो नानी ने कहा, नानी बेटा तुझे एक बात बतानी थी, वो तेंदुआ अगले दिन पिंजरे से भाग गया और फिर से गांव में आने लगा, लेकिन अगर तुझे बता देती तो तू यहाँ से चला जाता। अंशु, नानी अगर वो मुझे खा जाता तो? नानी, बेटा तू तो कुछ दिन के लिए यहाँ आया है, यहाँ के रहने वाले और उनके बच्चों के बारे में सोच, वे तो कहीं भाग भी नहीं सकते, इसलिए जैसे हालात हो उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अंशु, नानी मैं अब कभी नहीं डरूंगा और हर छुट्टियों में आपसे मिलने आऊंगा। धन्यवाद।